हेलो दोस्तों, वापस आ गई हूँ मैं आज एक और वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एमसीए वर्जन 3 पर, तो क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है बिफोर सबमिटिंग एनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। जो स्पाइस प्लस फॉर्म्स हैं एमसीए वर्जन 3 में और जो पहले एमसीए वर्जन 2 में भी थे, उनको सबमिट करने से पहले ये पॉइंट्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। अगर आप इसमें गड़बड़ कर देते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपके पास आपके इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स रीसबमिशन के लिए वापस भेज दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफिस एड्रेस, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होगा कंपनी का, उसको हम किस तरह से लिखेंगे। ये आपको भी मालूम है दोस्तों कि एमसीए में रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, जो कि फिक्स लाइन ही सिर्फ होना चाहिए, या गैस बिल या वाटर बिल ही एक्सेप्ट होता है। और ये सारे बिल, जो भी आप बिल सबमिट करेंगे, 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। तो ये तो जानते हैं दोस्तों, लेकिन क्या नहीं जानते हैं हम, वो ये है कि जो एड्रेस इन बिल्स पे लिखा होता है उसको हम स्पाइस प्लस पार्ट बी में, जो हमारा पार्ट बी है स्पाइस प्लस फॉर्म का, उसमें किस तरह से लिखेंगे। दोस्तों ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे एग्जांपल में जो एड्रेस है मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको अपने स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म में किस तरह से भरेंगे। उसमें आप लाइन वन में केयर ऑफ, सबसे पहले जो जिसके नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके पहले आप केयर ऑफ लगा के ओनर का नाम लिखेंगे, और फिर लाइन टू में आप बाकी एड्रेस जैसे इन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में या किसी और बिल में जो आप बिल सबमिट कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, उसी तरीके से लाइन टू में आप वो एड्रेस लिख देंगे। अगर लाइन टू में आपका एड्रेस फिट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा एड्रेस लाइन वन में भी शिफ्ट कर सकते हैं ओनर के नाम के बाद। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि बिल्कुल भी एक डॉट एक कॉमा का भी फर्क आपके इस लाइन टू और लाइन वन में नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। रेंट अग्रीमेंट नॉट रिक्वायर्ड एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ। मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमारे पास रेंट अग्रीमेंट नहीं है या हम रेंट अग्रीमेंट आपको दे रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि एमसीए में रेंट अग्रीमेंट सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीए 2 ही चीजें मांगता है आपसे फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ। सबसे पहली चीज़ जो वो मांगता है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल, जो कि फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए, लैंडलाइन होनी चाहिए, या फिर गैस बिल या वाटर बिल। और ये चारों में से कोई भी बिल जो आप दे रहे हैं वो 2 महीने से पुराने किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। दूसरा जो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देनी है वो है एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर द यूज ऑफ प्रीमाइसेस। आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा उस ओनर से। उस एनओसी में लिखा होना चाहिए कि हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये पर्टिकुलर कंपनी मेरे प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस करती है। तो चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है मैंडेटरी चेंजेस टू बी मेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। दोस्तों अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपने 2 चेंज अपने आर्टिकल्स में करने ही करने हैं। पहला चेंज ये है कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2014, आपको फर्स्ट आर्टिकल में लिखना ही होगा। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को रिहाइट्रेट कर दिया है। आप नॉर्मली गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मिल जाएगी। दूसरा जो आपने चेंज करना है दोस्तों वो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अगर आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स 2 हैं तो दोनों डायरेक्टर के नाम लिख दीजिए। अगर आपके फर्स्ट डायरेक्टर 5 हैं तो 5 के नाम लिख दीजिए, 7 हैं तो 7 के नाम लिख दीजिए। लेकिन सारे फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन में जाके जरूर मेंशन कीजिए, नहीं तो आपके पास पक्का ही रिसबमिशन के लिए ये फॉर्म आ जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नो वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए एंड मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। दोस्तों जब आप स्पाइस प्लस का पार्ट ए फॉर्म भरते हैं तो आप वहाँ पे मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं। उसमें आप जो भी एक्टिविटी सिलेक्ट करें, याद रखिए कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं वो एग्जैक्टली या इससे सिमिलर, इस मेन डिवीजन से सिमिलर हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि मेन डिवीजन में आपने हेल्थ एंड सोशल वर्क लिख दिया और आपके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी कुछ मैन पावर या किसी और ही अनरिलेटेड सब्जेक्ट को डील कर रही हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास रिसबमिशन के लिए फॉर्म आ जाएगा। तो इंश्योर कीजिए कि आपके ऑब्जेक्ट्स एज पर मेमोरेंडम और मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का डिवीजन सेम हो या सिमिलर हो। तो चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अटैच साइन MVP1 फॉर डिक्लेयरिंग इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज। अगर आपकी जो नई कंपनी है उसके डायरेक्टर ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के डायरेक्टर या पार्टनर, किसी LLP में पार्टनर हैं, तो उनको अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर होल्डिंग, अपनी कैपिटल होल्डिंग डिक्लेयर करनी पड़ती है।
और वो कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए बनता है फॉर्म MVP 1। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही रफ फॉर्मेट भी चिपकाया हुआ है सो दैट आप उसको रेफर कर सकें अपने स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म में। अगर वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं भी मांगता है फॉर्म MVP 1 को, तभी भी दोस्तों आपको ये फॉर्म अटैच करना ही करना है। नहीं तो अगर आप इसको बिना अटैच करें अगर सेंड सबमिट कर देंगे ये फॉर्म, तो आपके पास रिसबमिशन के लिए आ जाएगा। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल खोल के अपने कमेंट्स अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे अलग से ईमेल भी कर सकते हैं। बाय।